अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये वीडियो क्लिप तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस का है। आप पूरा वीडियो देखें। محمد رسول الله صدق الله سجدے پر اٹھا معزز المائکہ محترم مشائخ سب سے پہلے اپنے معزز علماء کرام کا اور اپنی ملت کے ذمہ داروں کا اور اپنی قوم کے جیالے اور نوجوانوں کا مشکور بھی ہوں، ممنون بھی ہوں۔ अगर कुछ बात दामन गिर है तहरी, मगर कुछ बात दामन गिर है तहरी के बेदारी, फरोग दीन की तदबीर है तहरी के बेदारी। बावकार उलमाए कराम से गुजारिश करूंगा, ये जलसा किसी कमेटी का नहीं है, ये जलसा आप उलमाए कराम का। आप इस वक्त कौम को पैगाम देने के लिए आए, जलसे को जिंदा करना, उठाना करना हम सबका फर्ज मंसबी बनता है। आवाम बोले ना बोले, स्टेज को बोलना चाहिए ताकि आवाम का हौसला मिले कि हमारे इमाम बोल रहे हैं तो हम भी बोलें। خصوصی یہ شعر حضور غازی مجد کی دعا لے کر کے سنیں، ملاحظہ کریں کہ بنے قانون ناموں سے رسالت کی حفاظت کا، اور بنے قانون ناموں سے رسالت کی حفاظت کا، पर जो आतिश गिर है तहरी। पता है इंसान को बहुत सारे सर्टिफिकेट का मुतालबा होगा। अच्छा भाई, आपके पास कौन सी चीज है? कहने वाले कहते हैं कि इंसान है, एक आदमी चले चोट लग जाए, दिमाग की नस फट जाए, डॉक्टर इलाज कर दे, वारिसीन कहे ये सही से बोलेगा ना, ये सही से देखेगा ना, ये सही से चलेगा ना, डॉक्टर कहेगा चलेगा जरूर, देखेगा जरूर, बोलेगा जरूर, लेकिन क्या बोलेगा उसकी गारंटी नहीं है, कहां चलेगा उसकी गारंटी नहीं है, कहां हाथ मारेगा उसकी गारंटी नहीं है। क्यों भाई? आप क्यों भाई? दिमाग की नसें फट रही है तो यहां से पता चला। क्यों? देख भी रहा है, बोल भी रहा है, चल भी रहा है, ये इंसान क्यों नहीं? कहा
इंसान आदमी तो रहेगा लेकिन इसकी जिंदगी इंसान की तरह नहीं होगी, इसकी जिंदगी एक जानवर की तरह हो जाएगी, इसकी जिंदगी पेड़ पौधे की तरह हो जाएगी। यहां से पता चला कि कौन सी चीज है जो आदमी को इंसान बनाती है, आदमी को जानवर नहीं होने देती है, इंसान को इंसान बनाती है, वो कौन सी चीज है? तो उस चीज का नाम अक्ल है, दिमाग है, बुद्धि है, विजडम है, जिसके जरिए से इंसान इंसान कहलाने के लायक बनता है। अक्ल की बुनियाद पर, दिमाग की बुनियाद पर, तो दिमाग जितना मजबूत कीजिएगा आपके इंसान होने का दावा उतना ही मजबूत होगा। तो याद रखिएगा, यह दिमाग दिमागी खाने से मजबूत नहीं होगा, काजू मुरक्का पिस्ता बादाम खाने से यह दिमाग मजबूत नहीं होगा, यह दिमाग इल्म से मजबूत होगा, इल्म से। तो भाई इल्म हासिल कीजिए, फिर सवाल उठेगा कितना इल्म हासिल करें, कितना कितना। तो एक जवाब आएगा, इतना इल्म हासिल करो कि जाहिल ना कहे कि आप आलिम हो, आलिम कहे कि वाकई आप आलिम हो, अनपढ़ ना कहे ये पढ़ा लिखा है, बल्कि पढ़ा लिखा कहे कि वाकई ये पढ़ा लिखा है, मरीज ना कहे कि ये डॉक्टर है, बल्कि डॉक्टर कहे कि वाकई ये डॉक्टर है, कंस्ट्रक्शन का मालिक ना कहे कि ये इंजीनियर है, बल्कि एक अच्छा इंजीनियर कहे हमसे अच्छा इंजीनियर। वाह वाह, बहुत अच्छा।